सॉल्यूशन देखो आप सबसे पहले, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से क्या है, तिगनी है। देखो राम की वर्तमान आयु जो होगी किससे, उसके पुत्र से क्या होगी, पुत्र की आयु से क्या होगी, पुत्र की अगर एक है तो इसकी राम की कितनी हो जाएगी, 3:1 आ गया मतलब, ठीक है। अब क्या कह रहा है, राम की आयु उसके पिता की आयु का 2/5 है, किसकी आयु, राम की आयु उसके पिता की आयु का, पिता की आयु का 2/5 है, कितना है, 2/5। देखो राम की जो आयु है उसके पिता की आयु का कितना है, 2/5, अगर पिता की एक है तो इसकी 2/5 है, 5/5 ऐसे, ठीक है। लेकिन क्या होगा, 5/5 कहाँ चल जाएगा वापस, 1 मान सकते हैं, 2 × 2 और 5 × 5 तो 2 और 5, क्लियर है, बात समझ में आ गई नहीं आ गई, आ गए ना। अब क्या करेंगे हम, राम की जो है, राम का अनुपात कितना है, राम का और उसके पुत्र का, ये आप लिख सकते हैं, पुत्र का और राम का कितना है, पुत्र का 1 और राम का कितना है, 3, क्लियर है ना। और अब किसका है, राम का और पिता का, तो राम का और पिता का आपको मैंने तरीका बताया था, पिता का कितना है, देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 और 5, आ रही बात समझ में, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और 2 को 1 से गुणा करेंगे, आपने अनुपात का तरीका तो पढ़ा ही होगा, तो इन दोनों की, तीनों की आयु क्या होगी, 15 और 6 21, 21 और 2 23, तो 23 कुल मिलाकर आयु है, 23 है ना, 6 और 2 8 और 15 23, इनकी जो औसत, तीनों की जो औसत आयु है वो कितनी है, 46 वर्ष है, और 46 को 3 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 138, कितना जाएगा, क्योंकि औसत है ना, औसत आयु है, तो 46 को 3 से गुणा करेंगे, 3 कैंडिडेट हो गए ना ये, ठीक है, 46 क्या होता है 138, देखो 23 को काटो, 23 से कम 23, 23 छक्का कितना होता है, 138, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, कितनी आ गई, 6। आप क्या करेंगे, पिता की कितनी है, देखो पिता का अनुपात कितना है, हैं 15, 15 × 6 करेंगे तो 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90, 6 को किससे गुणा करेंगे, 6 से, 6 छक्का कितना हो जाएगा, 36, और 6 को 1 से गुणा करेंगे, 6 × 6, किसका अंतर, राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु अंतर, राम की और उसके पिता की आयु अंतर कितना है, 90 में 36 के कितने बचेंगे, 54 बचेंगे 54 वर्ष, क्योंकि राम का और उसके फादर की आयु अंतर पूछिए तो कितनी आ जाएगी, 54 वर्ष आ जाएगी। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो इसे नोट कर लो यहाँ तक।